हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आप सब एज यू आर वेल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ अपनी एक और एनालिसिस की वीडियो में। और अगर आप लोग मेरे इसी तरह के एनालिसिस देखना चाहते हैं डेली, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो तब भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली लाइव अपडेट यहाँ पर मिलती है, शाम के टाइम डेली लाइव न्यूज़ मैं यहाँ पर करता हूँ। और उसके अलावा आप लोग अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि गोल्ड ने आज हमें क्या मूव दिया। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, गोल्ड यहाँ से हमें सेलिंग मोमेंटम देगा, फिर बाइंग मोमेंटम देगा। अभी यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया गोल्ड ने, तो गोल्ड यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ पे आप वही कल वाला 1986 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है तो फिर हम 2000 तक मार्केट को देखेंगे गोल्ड की। तो उम्मीद तो यही लग रही है कि आज भी हम गोल्ड को बाइंग के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम भी नज़र आ रहा है। अभी फुली क्रिएट नहीं हुआ डबल बॉटम, और अगर यहाँ से नीचे आ जाती है मार्केट, यानी कि 71 से नीचे आ जाती है, तो तब इसको आप सेल के अंदर देखें, वरना आप इसको बाय के अंदर देखें। यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है, यहाँ से रीटेस्टिंग देगा और मार्केट गोन अप। DXY में क्या सिचुएशन है? DXY में सेलिंग मोमेंटम बन सकता है। ये रिजेक्शन कैंडल है, ये रिजेक्शन कैंडल है, और ये भी रिजेक्शन कैंडल बन के मार्केट नीचे आ सकती है। गोल्ड को बाई की तरफ भेजेगी और DXY को सेलिंग की तरफ भेज सकती है। US ऑयल की ये सिचुएशन है, मैंने आप लोगों को कहा था बाइंग में रहो, बाइंग में रहो, बाइंग में रहो, और आज हमें DXY ने अच्छा बाइंग का मूव दिया है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं अभी वापस सेलिंग आ रहा है और ये यहाँ से हमें और बाई देगा, ये 75.00 तक आएगा US ऑयल। ये मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ। यूरो यूएसडी भी गोल्ड की तरफ बाय का मोमेंटम बना रहा है, ठीक है। ये अपना डबल बॉटम क्रिएट कर सकता है। जीबीबी यूएसडी जो है उसने भी एक डाउन ट्रेंड बनाया है, और जीबीबी यूएसडी हमेशा गोल्ड के साथ चलता है, लेकिन थोड़ा सा अप एंड डाउन मूव करता है। हो सकता है GBP थोड़ा बाय आए फिर चला जाए, और अगर GBP आ रहा है तो गोल्ड की भी उम्मीद है कि गोल्ड भी नीचे बाय नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस गोल्ड के बाय के ही हैं। और बाकी जो मेजर स्पेयर्स हैं, USD JPY की तरफ हम देख लेते हैं। USD JPY भी जैसे कि सेलिंग मोमेंटम बना रहा है। USD JPY अगर सेलिंग मोमेंटम बना रहा है तो EURUSD बाइंग मोमेंटम बनाएगा, GBP USD बाइंग मोमेंटम बनाएगा, गोल्ड का बाइंग मोमेंटम बनेगा और US ऑयल का सेलिंग मोमेंटम बनेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।